हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था जिसमें ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉज को डिस्कस किया गया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ को हम यूज़ करते थे सिर्फ दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, जबकि पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। हम पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करते हुए एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडिट बाय यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली जो पॉलीगन लॉ होती है उसमें भी हम उन्हीं दोनों नियमों का प्रयोग करेंगे जैसे ट्रायंगल लॉ है फिर पैरेललोग्राम लॉ का प्रयोग करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले बात आती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब यू आर गिवन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। आपको कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ वेक्टर्स दिया गया है और आपको उन सभी वेक्टर्स को ऐड करना है। देन हाउ यू कैन यूज पॉलीगन लॉ टू फाइंड आउट सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमें वेक्टर्स गिवन है। जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी वेक्टर्स को एक पॉलीगन की साइज के रूप में लिखना है। ध्यान दें, आपको पॉलीगन को क्लोज नहीं करना है, आपको पॉलीगन को क्लोज नहीं करना है। यदि आपको पांच वेक्टर जोड़ने हैं तो आप सिक्स जो साइज हैं सिक्स साइज के एक पॉलीगन को कंसिडर करेंगे, मतलब हेक्सागन करेंगे। यदि आपको चार वेक्टर्स जोड़ने हैं तो फिर आप कंसिडर करोगे एक पेंटागन को कंसिडर करोगे। कैसे, क्लोज एक जो क्लोजिंग साइड होगी उसको आपको अभी तक वैकेंट रखना है, बाकी जितने भी आपको वेक्टर्स गिवन है सभी वेक्टर्स को आप पॉलीगन्स की जो साइड्स हैं उसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, मैंने मान लिया कि हमारे पास वेक्टर्स हैं ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। आई जस्ट कंसिडर फाइव वेक्टर्स विच आर टू बी एडिड बाई यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। Then how you can use this law? Now represent all these vectors by five sides of a hexagon. Consider करें, मैंने इस एक बात को नोट करें कि मैंने hexagon बोला है, मतलब आप लोग पांच आपको वेक्टर गिवन है और आप hexagon यदि consider करते हो तो hexagon की sides कितनी होंगी, सिक्स होंगी, लेकिन फिर भी आपको पांच साइज के रूप में रिप्रेजेंट करना है, मतलब hexagon की एक साइड अभी भी नहीं हमारे पास। वो कैसे दी जाएगी, देखिए मान लेता हूँ वेक्टर ए आपको गिवन है, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, वेक्टर सी आ गया ये, और ये वेक्टर डी है, वेक्टर डी, और ये है आपका वेक्टर ई। जरूरी नहीं है कि आपका रेगुलर हेक्सागन बने क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि सभी वेक्टर्स बराबर हैं, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है। तो आपने यदि क्या किया कि सभी वेक्टर्स को पॉलीगन की साइज के रूप में लिखा, नोट करें ऑल द वेक्टर्स आर रिटन इन सेम ऑर्डर, मैंने यहाँ हर वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिखा है। तो अभी आपको आपको कैसे करना है इस चीज के लिए, तो कहता है कि द वेक्टर्स विच आर टू बी एडिड are represented as sides of a polygon and the closing side of this polygon. Now the closing side of this polygon, आपने पांच वेक्टर्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो क्लोजिंग साइड इसकी बचेगी ये क्लोजिंग साइड है, आप देखो पॉलीगन कंप्लीट हुआ, ये आपके पांचों वेक्टर्स थे और अब आपका पॉलीगन यदि कंप्लीट हुआ then this vector taken in opposite order, मतलब closing side जो है polygon की उसको आपने opposite order में लिया, ये जो vector है this vector gives the resultant, और ये resultant बराबर किसके, सभी vectors के जोड़ के, vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E। प्रश्न ये उठता है कि अब इनका magnitude हम find out कैसे करेंगे, तो उसके लिए ध्यान दें आप सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आप इन दो वेक्टर्स को लें और इन वेक्टर्स के अंदर ये कंसीडर करें कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये सेम ऑर्डर में है, मतलब आप यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को यूज करो, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं
ये दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रायंगल की दो साइड्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो थर्ड जो क्लोजिंग साइड होगी वो क्लोजिंग साइड क्या बताएगी हमें, वो बताएगी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मैं यदि पॉइंट्स के नाम देता हूँ, ये ओ पॉइंट था ओरिजन, ये पॉइंट है पी क्यू आर एस डी, ये भी आपके सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो बाई ट्रायंगल ना वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओपी ये था प्लस वेक्टर पी क्यू, ट्रायंगल ला क्या कहती है, दोनों क्या है ओपी और पी क्यू क्या है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और ये दोनों ये जो साइड है ये ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड हो गई टेकन इन अपोजिट ऑर्डर व्हाइल दीस टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर। सो दिस वेक्टर ओक्यू वेक्टर शुड रिप्रेजेंट the resultant of vector a and resultant of vector a and b, so op vector मतलब a vector plus b vector should be equals to op plus p q। आप पूरी फिगर को ध्यान ना दें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो op vector है और pq vector है वो दोनों सेम ऑर्डर में लिखे गए हैं, और उसके साथ जो ये है ये क्लोजिंग साइड है ना, तो ये क्लोजिंग साइड है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है a और b के रिजल्टेंट, और वो क्या है oq vector, oq मतलब दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, ओके वेक्टर आ गया। आप ये समझ सकते हो कि इन दोनों को हम लोग अब जोड़ चुके हैं और ये कितने के बराबर आया, ओके वेक्टर के बराबर आ गया। नाउ आपके पास दोनों ए और बी जुड़ने के बाद आपका जो रिजल्टेंट जो बना वो सिर्फ इतना रह गया ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ओके। नाउ ये वेक्टर ओके है और वेक्टर ओ आर है, ये मतलब वेक्टर सी, ये दोनों किसमें हो गए सेम ऑर्डर में आ गए, सेम ऑर्डर में यदि ये आ गई तो ट्रायंगल की एक साइड ये दूसरी साइड ये और ये आ गई ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड, ये क्लोजिंग साइड आ गई, तो ये वेक्टर पहले किसके बराबर है a प्लस b के बराबर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड इक्वल्स टू दिस, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये जो वेक्टर आया ओ आर जो वेक्टर आया वो किसके बराबर है ए प्लस बी जो ये था और प्लस उसमें क्या जोड़ चुके हो बाई ट्रायंगल यूजिंग ट्रायंगल ना वी हैव समड अप वेक्टर सी इन दिस टू वेक्टर्स। सो यहां ये वेक्टर आ गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। नाउ इससे आगे अब दोबारा से देखें कि ये जो वेक्टर बना रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी इज कनेक्टेड with vector d in same order and these two vectors a plus b plus c vector and vector d are representing two sides of a triangle, so the closing side of this triangle will give resultant of a plus b plus c plus d, aur yahan aap log likh sakte ho ye vector kitna aa jayega a plus b plus c plus d vector, matlab jo os vector aapka represent karta hai वो a प्लस बी प्लस सी प्लस वेक्टर डी इन सभी के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। मैं मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ रहा हूँ, वेक्टर नोटेशन अभी भी यहाँ पर यूज की गई है, मतलब डायरेक्शन और आप लोग मैग्नीट्यूड। अब बात जो आती है कि इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, तो a प्लस बी को यूज करो आप लोग सबसे पहले, उसका मैग्नीट्यूड आपके आपके पास आ जाएगा, जो ट्राइंगल ला का फॉर्मूला था प्लस टू ए बी को सब थीटा, इससे आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, फिर जो रिजल्टेंट इनका आएगा उसके साथ सी को मैग्नीट्यूड को जोड़ो विद सेम फॉर्मूला, फिर उसके साथ इसको जोड़ देंगे डी को जोड़ेंगे इसी फॉर्मूले से, तो अब आपके पास कितने वेक्टर्स जुड़ चुके हैं, चार वेक्टर्स जुड़ चुके हैं। अब फिर से ध्यान दें, ये जो वेक्टर था ओएस वेक्टर इज कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर विद वेक्टर ई, और ये इस ट्रायंगल जो बनी ओ एस टी जो ट्रायंगल बनी उसकी क्या है क्लोजिंग साइड बताता है, तो क्लोजिंग साइड बताता है तो दिस सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स शुड इक्वल्स टू वेक्टर आर व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फाइव वेक्टर्स, तो ये आ गया आपके पास वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, आर का कंप्लीट वेक्टर आ गया। तो फाइनली फाइंड आउट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यदि इनका फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसके ऊपर फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद जो यहाँ रिजल्टेंट आता है उसके साथ इसके ऊपर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा उसके साथ इसका फॉर्मूला यूज, दोनों को बस इसी मैनर में, आपको यदि 10 वेक्टर्स भी दिए गए हैं तो आप इसी प्रकार से इनको जोड़ सकते हो। पॉइंट ये है कि आपको द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड शुड बी रिप्रेजेंटेड बाई साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इन सेम ऑर्डर,
मतलब यदि आपको n वेक्टर्स जोड़ने हैं तो आपको सभी वेक्टर्स जो होंगे वो जो एक n प्लस वन साइडेड जो पॉलीगन होगी उसकी साइड्स के रूप में लिखना है। मतलब आपको पांच वेक्टर जोड़ने हैं तो छह जो साइड्स की पॉलीगन लेंगे आप, क्योंकि एक फाइनली जो क्लोजिंग साइड होती है वही रिजल्टेंट बताएगी। तो बाकी सभी साइड्स जो वेक्टर्स थे सभी को साइड्स के रूप में रखो और क्लोजिंग साइड आपको उसका रिजल्टेंट बता देगी। तो ये था वेक्टर्स के बारे में था। तो वेक्टर एडिशन के अंदर है ना दो चार पॉइंट और भी आते हैं कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो सबसे पहली बात ये है कि वो कोमोटेटिव होता है। मतलब वेक्टर ए प्लस बी लिखो चाहे आप वेक्टर बी प्लस ए लिखो, इसमें कोई ही फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स वेक्टर एडिशन इज कोमोटेटिव प्रॉपर्टी आती है इसकी। दूसरा एसोसिएटिव होता है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका मतलब ये है कि आप वेक्टर ए को जोड़ते हो बी और सी का जो रिजल्टेंट आता है उसके अंदर ए को जोड़ रहे हो, और बात यदि आप बी और सी के ए में रिजल्टेंट को जोड़ते हो वो सेम ही बात है जैसे आप ए और बी के रिजल्टेंट में सी को जोड़ते हो। तो यहाँ बताता है कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ये दो प्रॉपर्टीज थी। तीसरी ये बात है, इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखें कि यदि दो वेक्टर्स आपने जोड़े हैं द वेक्टर्स विच आर यू हैव एडेड अप, तो ये दो वेक्टर्स हैं ये ए और बी वेक्टर हैं, ये इनका रिजल्टेंट है। तो कहता है कि जिस प्लेन के अंदर जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करेंगे उसी प्लेन के अंदर आर लाएंगे। मतलब द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड ए एंड बी एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये दोनों एक ही प्लेन में लाए गए हैं। तीसरी बात ये आती है कि जीरो यदि आप चाहते हो कि जीरो रिजल्टेंट हो कि दो वेक्टर्स का सम जो है वो जीरो आए, तो जीरो रिजल्टेंट करने के लिए आपको कंडीशंस क्या क्या रखनी है। मतलब ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि हाउ मच वेक्टर्स आर यू नीडेड टू फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट जीरो। मतलब आपको यदि किसी चीज का किसी वेक्टर्स का रिजल्टेंट यदि आपको जीरो चाहिए तो आपको कम से कम कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी इन टू ए प्लेन के अंदर। देखिए तो नंबर एक तो बात यह है कि जीरो रिजल्टेंट के लिए वेक्टर्स को कोप्लेनर होना पड़ेगा, और दूसरा ये है कोप्लेनर होने के साथ साथ या तो दो वेक्टर्स इक्वल हों और अपोजिट हों। मतलब ए ये वेक्टर बी है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी मतलब नेगेटिव है बी का, मतलब वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप लोग कह सकते हो कि दोनों का जोड़ा बी को इधर लेके आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा, रिजल्टेंट इनका कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। क्लियर? मतलब मैं हालांकि ऑपरेशन क्या किया गया है कि वेक्टर बी को यहाँ जोड़ा गया वेक्टर बी को यहाँ जोड़ा गया, ये नल वेक्टर बन गया मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो नल वेक्टर के बराबर। यदि ये कंडीशन है कि यदि जीरो रिजल्टेंट के लिए कि जीरो रिजल्टेंट कब मिलेगा, यदि दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल एंड अपोजिट हैं तो मिलेगा। व्हाट इफ दीज टू आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, देन हाउ मच व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स यू नीडेड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट जीरो। तो आपको यदि नल वेक्टर रिजल्टेंट के रूप में चाहिए तो उसके लिए आप लोग कम से कम कितना जोड़ें, दो हो सकते हैं क्लियर हो सकता है, लेकिन यदि उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो फिर कितने होने चाहिए, तो आपको कम से कम तीन वेक्टर्स चाहिए, कम से कम आपको तीन वेक्टर्स चाहिए ताकि रिजल्टेंट उनका जीरो आए। तीन और भी वो भी किस प्रकार से आपको चेक निकालने होंगे, आप ऐसे तीन वेक्टर्स ले सकते हैं जिसमें से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं पैरेललोग्राम ला से इनका यदि रिजल्टेंट निकालता हूं तो रिजल्टेंट इनका आ जाएगा ये। यदि आपका सी वेक्टर मतलब वेक्टर आर ए प्लस बी आपको तीसरा वेक्टर, देखो इनका जीरो नहीं आया यहाँ जीरो वेक्टर नल वेक्टर नहीं बनता है, यदि आपका तीसरा जो वेक्टर है ना वो यदि इस रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट हो, मतलब सी वेक्टर इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दैट आर, देन यू फाइंड आउट The sum of these three vectors A, B and C, आप इसको भूल सकते हो अभी, इन वेक्टर्स का
जोड़ आपको जीरो आ जाएगा। नंबर एक बात तो तीनों के तीन क्या है, प्लेन के अंदर है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है तीनों प्लेन में है तो किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो। पॉइंट ये है, समझ गए ना, कि किन्हीं भी दो वेक्टर चाहे ए और सी का रिजल्टेंट बी के इक्वल एंड अपोजिट हो, चाहे बी और सी का रिजल्टेंट जो है वो ए के इक्वल एंड अपोजिट हो, या फिर ए और बी का रिजल्टेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट हो। तो ये यदि आप लोग यदि आपको चाहिए इस प्रकार से वेक्टर्स, तो आपको क्या करना होगा, सभी वेक्टर्स को इसी फॉर्म में लेके आना।